और कभी कभार जिंदगी आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जो आप कभी भी नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल्स, आप में से कुछ ने, सारों ने नहीं, नोटिस कर लिया होगा मेरे मुंह से कोई चीज गायब है। यार देखो, बात बताए क्या है, आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, क्योंकि थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है। तो कल ना हमारी है फेयरवेल, कल हमारी है वेलकम पार्टी। तो मैंने कहा जरा अपनी मुझे हल्की कर लेते, मैंने मशीन पकड़ी जिस तरह हमेशा मुझे हल्की करता था, मैंने मशीन पकड़ी हल्की सी मारी, तो ना इस वाली साइड पे ज्यादा पे इस वाली साइड पे हल्की पड़ी, मैंने कोई बात नहीं बराबर कर लेते हैं। तो इस वाली साइड पे भी जब मशीन पारी ना, तो इस वाली साइड की ज्यादा होगी और इस वाली साइड की हल्की होगी। तो मैं बहुत कोझा लग रहा था, तो मैंने सेफ्टी पकड़ के सारी काट दी और अब मैं उससे भी कोझा लग रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। तो नाउ लेट्स कम टू द टाइटल ऑफ द वीडियो। टाइटल को तो मारे बोली, लेकिन मैंने ज़ैनुल आबिदीन ने इंसानी तारीख का सबसे चिकना तरीन टाइम लैप्स बनाया है, मुलाहिजा फरमाइए। कैसा दिया? अच्छा यार, क्यों होने वाला सारा सेशन स्टार्ट करने से पहले हम ना, मैं आज ऑडियो लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और माइक भी लगाया, आपके भाई ने खर्चा किया है यार, टेंशन क्यों ले रहे? अभी देखो, देखा आवाज आई या फिर पता नहीं, शायद नहीं आई। तो सिनेरियोस कुछ ऐसे हैं कि हम चार दोस्त, मैं जैन उमर और अली, हम चार दोस्त गए थे मूवी देखने, इट का चैप्टर टू देखने गए थे। तो ना ऐसी हमने चुगलियां सीन्स कुछ ऐसे थे कि मैं तो व्लॉगिंग कर रहा था और उस टाइम मेरे पास माइक वगैरह भी नहीं था, लेकिन ना कभी कभार आपकी अक्ल ऐसे घास चढ़ने गई हुई होती है ना कि 3 बजे का मैं व्लॉग बना रहा हूँ 9 बजे तक, लेकिन ना किसी भी क्लिप में ऑडियो नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग मैंने बंद की हुई है, खाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। लख लाना था मेरे पे, कोई बात नहीं, अब आपके भाई के पास यू नो सिस्टम कर लिया आपके भाई ने। हाँ, तो एम्पोरियम से पहले आता है अल्फतेह। तो ना जैन ने मुझे कहा था कि 3 बजे वहां तक आ जाए, मैंने कहा डन हो गया यार, 3 बजे तेरा भाई अल्फतेह के बाहर खड़ा हुआ होगा, लेकिन 3 बजे जब मैं वहां पे आया तो जैन वहां पे नहीं था, कोई नहीं। तो आपका भाई सीधा अल्फतेह के अंदर, तो वहां पे तो कैमरा उन्होंने बाहर रखवा दिया था, मैंने तो वहां से बाहर आया, तो वहां से आपका भाई बैठा गाड़ी में, और ना गाड़ी में बैठ के कंटिन्यूसली व्लॉग का कैमरा सामने पकड़ के बकवास किए जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम तो मुझे पता नहीं था भाई जान कैमरा ऑडियो बंद है। फिर जी हम लोग पहुंचे हैं एम्पोरियम, एम्पोरियम की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, वहां से बाहर निकले तो उमर की कॉल आई। उमर और अली पहले से एम्पोरियम में थे, मैंने और जैन ने भी जाना था, तो हम वहां पे गए, तो ना हमने उमर को कॉल की कि गाड़ी का टायर खराब हो गया, ले हालांकि हम वहाँ पहुंचे बदाम को भाई प्रैंक्स करता है यू ना। तो उमर तो फोन पे तप गया था थोड़ा सा। अच्छा, अब थर्ड फ्लोर पे हम लोग पहुंच गए, हमें नहीं पता भाई जान ये दोनों किधर हैं, हमें फोन करके कह रहे हैं हम थर्ड फ्लोर पे हैं, लेकिन हमने तो ये कहा हुआ था कि गाड़ी का टायर खराब है। तो वहाँ पे जी उमर को कॉल की, फिर उमर आया और फिर हम उसके साथ गए हैं जिधर भी यार वो लोग बैठे हुए थे। मजे की बात पता क्या, मैं और जैन तक साथ गए थे, उमर हमें वहाँ पे लेने आया हुआ था, लेकिन पीछे अली लोग वहाँ पे मिलने गए अली से, तो अली एक अदद नाकाम आशिक की तरह अकेला बैठा हुआ था। और फिर ना मजे की बात पता क्या, लड़के है, लड़के होते तो लड़के ही हैं भाई, अपना स्वैग है। अब देखो हम एम्पोरियम में बैठ के कर क्या रहे थे, क्योंकि बाइसेप चेक कर रहे थे एम्पोरियम के अंदर। तो आपके भाई का तो भाई, मैंने भाई चेक ही नहीं कराया भाई, मैंने कहा भाई मैं रहने दो बाइसेप वाली सारी कहानी के बाद। अच्छा, हम आए यहाँ पे ना मूवी देखने थे, लेकिन पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए थे। अब मेरा फोन है ये दिनों पता नहीं क्या भाई, मुझे नहीं पता क्या देख रहे हैं, मैं भाई आराम से व्लॉग पता नहीं यार हो। फिर थोड़ी देर बाइसेप चेक करने और पता नहीं कौन सी वीडियो देखने के बाद अंदाजा हुआ कि 5 बजे की टिकट है और हम वहां पे थे अभी 4 बजे। तो कुछ भूख लग रही थी ना, क्यों कहते हैं ना पहले पेट पूजा बाद कम दूजा। अब ऑडियो तो है नहीं, लेकिन ना मैंने एक स्लोमो बनाया था, छोटा सा स्लोमो यू नो, तो मुलाहिजा फरमाइए ना स्लो मोशन के पीछे उमर को प्लीज इग्नोर कर दें जिस तरह वो खा रहा है ना, प्राइसलेस। अच्छा यार, सिनेरियोस कुछ ऐसे हुए कि ना मूवी स्टार्ट होने में रह गए 2-3 मिनट और आपके भाई को वॉशरूम जाना है यू नो। यूनिवर्सल सिनेमा पहुंच गए हैं, हॉल के अंदर भी पहुंच गए हैं और मूवी भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ना सीटें नहीं मिल रही। तो अब वहां पे एक टॉर्च के नीचे 4 टिकटें, भाई सीट कौन सी है, व्हाट इज यार। अच्छा, अब घर वालों को मैंने टाइम दिया हुआ था 7 बजे का, अच्छा 5 बजे मूवी लगेगी, 6:30 आधे घंटे में घर आ जाऊंगा। यार एक तो इतनी लंबी मूवियां ये हॉलीवुड वाले कब से बनाने लग गए हैं यार, 3 घंटे की मूवी, कुछ खुदा का खौफ करो। मैं वहां से बाहर निकला हूँ 5 से 6 से 7 से 8 बजे, अब मैं वहां से हॉल से बाहर निकले चारों, और चारों को नहीं पता कि घर वापस किस तरह जाना है।
किसने किसके साथ जाना है, मतलब अजीब ही ना। तो ये था हमारा थोड़ा सा फैमिली टाइम। तो नाउ लेट्स कम टू द टाइटल ऑफ द वीडियो। आपके भाई की बर्थडे है 30th of September को, और आज है 27th of September, लेकिन मैंने कहा वीडियो पहले फिल्म कर लेंगे क्योंकि कल छुट्टी है और उसके बाद छुट्टी नहीं होगी, तो फिर मंथली टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर मैंने कहा वीडियो जल्दी फिल्म कर लेते हैं ताकि एडिटिंग में आसानी हो जाए। अच्छा यार, अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज फ्रीडम फॉर यू? क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज फ्रीडम फॉर यू? यार फ्रीडम मेरे लिए ये है कि मैं सुबह उठूं और रात को सोऊं, और इसके दरमियान में जो मर्जी करूं, कोई मेरे से कुछ ना पूछे कि भाई ये तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्वेश्चन, फेवरेट सॉन्ग एट द मोमेंट। माय फेवरेट सॉन्ग एट द मोमेंट इज नेकेड बाय जेन। बहुत चिकना गाना है रे मायू, बहुत चिकना गाना है। ड्रीम कैमरा, यार ड्रीम कैमरा है सोनी A6300, या सोनी A6300, या फिर नाइकन का D7000, या फिर व्लॉगिंग के लिए अगर पूछे तो कैनन का G7X.2, सारे कोई सा भी दे दो, बर्थडे आ रही है ना, गिफ्ट कर दो। सब्जेक्ट यार इंग्लिश, उर्दू, मैथ, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इस्लामियात, मुतालिया के अलावा ना, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके भाई के फेवरेट ही। मैट्रिक में कितने नंबर थे? आपको किसी ने बताया नहीं है, ऐसे सवाल नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बर्थडेज? बर्थडेज का कॉन्सेप्ट यार, बर्थडे बोला भी नहीं जा रहा, बर्थडेज आर स्टूपिड, देर आर वेस्ट, बर्थडेज आर स्टूपिड, देर आर वेस्ट ऑफ मनी, दे जस्ट, आपने मतलब आप किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, कि आप पैदा हुए थे, तो इसमें आपका क्या कमाल, एम ही बस। अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो हैं। और हाँ, कल जैसा कि मैंने बताया कि वेलकम पार्टी है, तो उस पर भी ब्लॉग अन करीब आपका भाई आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आएगा, टेंशन नॉट। सो दैट इज द ब्लॉग, इफ यू एंजॉय द ब्लॉग प्लीज स्मैश द सब्सक्राइब बटन, और यार वो आजकल ना मंथली टेस्ट हो रहे हैं, यार वो आजकल ना कॉलेज में ना टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा आगे बाहर वायर जाने वाले ब्लॉग्स नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें भी तो बाहर गए थे ना, गुजारा कर लो। दैट इज द ब्लॉग, सब्सक्राइब।